चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मेरे बच्चे का ये हाल करा है कि उसके गुर्दे भी फोड़ दिए, उसके सिर के कतूर कतूर कर दिए, उसकी कमर सारी लीली कंच कर दी, उसे इतना बेदर्द से मारा। मैं यहाँ तड़प रही हूँ। सैनी समाज है जो बच्चे को हमारे बेरहमी से पीट पीट के जिन्होंने मारा। वो आगे भी डर है इस तरह अगर बुला के लेकर जाए और मार दे ऐसे सर, आगे भी डर है। हाँ, और डर तो है ही। मैं जब हमारे एक बच्चे के साथ ये कर सकते हैं तो क्या उम्मीद है कि दूसरे के साथ नहीं कर सकते। और संजीव बालियान का फोन बराबर आ रहा कही है थाने पे, वो कुछ नहीं कर रहे। यह केस को डिसमिस करने की बात है, केस दबाने की बात है। बस यही मेरे दिमाग में आ रही बात। हाल तो आज अंदर बताना करो इसको। अब लोग बोल रहा था पापा पापा ठीक मार रखो क्या स्थिति है इसकी, कैसा आया हो भाई? सो उठा यार, मेरे आवाज जरा एक जना हम लोग जा अंदर घर से लेने आया हो। ये कुत्ता जी लेडी के घर में है तो किसी घर से कुत्ता आया हो यहां से कुत्ता ही सामने से सड़क पे साथ। ये पाली वाली कैसे हो रहा है इसको? गाड़ी पकड़ो सब तमाशा देख रहे हो, तुम्हारा यहां कोई नहीं है ना। जता जी एक बच्चा मेरे को बच्चे को बुला के ले गया था और ये कुत्ते का बच्चा देखने चलना है तो मुझे पता लगा ऐसी घटना है तो चला गया वहाँ देखने। बच्चा देख देख के रात के 8 बज गए, 7 बज गए, 8-9 बज गए, नहीं आया। तो उसकी मम्मी को जो है एक वो ही वेदना, रात के 12-11 के करीब हो रहा होगा टाइम, तुम चल दिए जी। मैं और मेरा बेटा पहले हम उसके बच्चे के घर गए जिस बच्चे के साथ गया था, जो घर से बुला के ले, हाँ जो लोग गया था बुला के उसके साथ गए। 3 आदमी थे, गेट नहीं खोलने है नहीं, और गेट नहीं खोलने दिया आपको अंदर नहीं जाने। नहीं जी, 112 नंबर की जो पुलिस आई तो उसको भी बच्चा नहीं दिया था, उसको बच्चा नहीं था। जब थाना इंचार्ज आए तो यहाँ यहाँ चौकी इंचार्ज तो उसके बाद आप थाने में गए? नहीं नहीं, ऑन द स्पॉट रहे हम। अगर वहाँ से हिल जाते तो हमारा बच्चा गायब हो गया था। गाड़ी थी डीसीएम थी, डाक पार्सल की गाड़ी थी, उसमें ले जाने के ले जाते शायद। पुलिस कैसे पहुंची मतलब वहाँ पे? पुलिस या तो उन्होंने फोन करा, या तो उन्होंने फोन करा या हमने कॉल करा है नहीं। मैं तो फोन रखता नहीं, मैं तो साधारण आदमी हूँ। उम्र क्या थी बच्चे की? 20-21 साल के करीब होगी जी। करता क्या था वैसे? कुछ नहीं, डॉक्टरी कर रहे थे वो, कुत्तों की पढ़ाई भी कर रहा था। पढ़ाई तो कर रखी तूने कर, कुत्तों के थोड़ा बहुत दवाई वाई दे देता, 4-5 किए था दवाई देने के बहाने से बुलाया था। लेकिन ये जो अखबार में छाप रखा है, जो अखबार में छाप रखा है दैनिक जागरण में या अमर उजाला में जो उनसे भी है, ये गलत छाप रखा। क्या छापा? प्रेम प्रसंग का जो मामला दिखा रखा है थोड़ा बहुत, जो भी XYZ जो भी है नहीं, जो दिखा रखा है वो गलत है। तो ये कौन बिरादरी कौन समाज है जिनके? ये सैनी समाज है जो बच्चे को हमारे बेरहमी से पीट पीट के जिन्होंने मारा। जब इनका प्रेमी था औरत का उसका, तो उसने कैसे मरवा दिया? इसके तो ऊपर गिर जाना चाहिए था। हम और कुछ नहीं चाहते कि हमारे जैसा हमारे बच्चे की वो करे ना, इनको भी ऐसी फांसी लगनी चाहिए। मेरे बच्चे का ये हाल करा है कि उसके गुर्दे भी फोड़ दिए, उसके सिर के कतूर कतूर कर दिए, उसकी कमर सारी लीली कंच कर दी, उसे इतना बेदर्द से मारा। मैया यहाँ तड़प रही, मेरा बच्चा रोटी खा रहा, मैया यहाँ तड़प रही, वो वहाँ तड़प रहा। मेरा जो ना हार्ट अटैक पड़ने को तैयार होगा। मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, फ़ोन स्विच कैसे हुआ? पर मेरा बच्चा रोटी खा रहा था, उस पर कि फोन आया, तुरंत भाग चला गया, मुझसे बता कर नहीं गया। कोई लड़ाई नहीं, कोई भिड़ाई नहीं, कुछ नहीं। गांव में कभी कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं।
दलित समाज के साथ अक्सर इस तरह की चीजें होती है भाई, कोई भी कहीं भी पकड़ के मार देता है, पीट देता है, गाली गलौज कर देता है। अगर वही और लोग होते हैं ऐसे, बाकी बिरादरी होती, क्या उनके साथ कभी ऐसा हुआ गांव में? नहीं लगता मुझे ऐसा होता उनके साथ, आज तक नहीं हुआ ऐसा केस। दलित समाज को तो लोग कुछ समझते ही नहीं है ना, इतनी बेरहमी से उसको मारा तड़वा तड़वा के। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वोट तो ले लेती है सरकार भी इनकी, लेकिन इस तरह की घटना क्यों नहीं रुकती भाई? एक तरह से गांव में समाज ही बसता है, सभी तरह के समाज बसते हैं, तो अभी तक आपके ऊपर कोई दबाव आया है किसी तरह का या उधर से कोई समझौते की बात है? कोई दबाव है नहीं, लेकिन पुलिस भी आश्वासन ही दे रही है बस कि सबको जेल भेजा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। फिर जेल जाने से मतलब नहीं है उन्होंने, इनको आजीवन कारावास हो या फांसी की सजा। कितने भाई हैं अभी टोटल ये? सर ये 5 भाई थे। वो आगे भी डर है इस तरह अगर बुला के लेकर जाए और मार दे ऐसे सर, आगे भी डर? हाँ, और डर तो है ही, मैं जब हमारे एक बच्चे के साथ ये कर सकते हैं तो क्या उम्मीद है कि दूसरे के साथ नहीं कर सकते? सर यही तो नहीं समझ पा रही होगी कि सरकार में ऐसा भी हो रहा है। वो तो कह रहे कि भाई सुरक्षा इतनी है, कोई कहीं भी घूम सकता है। सुरक्षा है बताइए आप, कहाँ सुरक्षा है? 7 बजे हमारा बच्चा निकल के गया घर से, 10-11 बजे उसकी डेथ कर दी है इन लोगों ने मार मार के, बताइए कहाँ सुरक्षित है? और वो भी मोहल्ले के मोहल्ले में, कोई बहुत दूर की बात भी नहीं है। वो तो अपने बयानों में कहते हैं भाई महिला भी घूम सकती है, आदमी भी कहीं भी। तो कहाँ मिल रही है सर सुरक्षा आप बताइए? ऐसे कोई सुरक्षित है इंसान? प्रेम प्रसंग हाल तो है ही नहीं, प्रेम प्रसंग का तो सवाल ही नहीं उठता, इस पर नंबर ही नहीं है उसका लड़के पे। ये बदनाम करने वाले, ये बदनाम की बात है सब, या केस को डिसमिस करने की बात है, केस दबाने की बात है। बस यही मेरे दिमाग में आ रही बात। और संजीव बालियान का फोन बराबर आ रहा कही है थाने पे, वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं ये भी हमने सुन लिया आज, कुछ नहीं कर रहे, आश्वासन दे रहे वैसे हम करेंगे करेंगे, पर कर कुछ नहीं रहे। दलित समाज में एकता नहीं रहती, कोई पीट रहे सही कहीं ही, मेन कारण तो यही है। तो अगर इंसाफ ना होता ना हुआ तो फिर आगे क्या रास्ता आपको दिखाई देगा? इंसाफ तो अगर ना होया तो हम तो सुबह से ही कह रहे भाई इंसाफ नहीं होने का, और सब मिलकर थाने पे हंगामा करो, हमारा तो यही कहना सुबह से। उधर भी खड़े थे लोग, हम पल्ली तरफ रहे हैं, तो गांव समाज साथ है, सब साथ है, पूरा साथ है। Thank you.